अब आज 29 को अगर बात कर लें, नवंबर का ही लास्ट ही 2 दिन बचे हैं, तो 29 और 30 की अगर बात कर लें तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि शाम के टाइम, आज भी अगर मैं बात करूँ शाम रात को जो है, तो क्लाउडिंग आएगी फिर से और हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है थंडरस्टॉर्म में, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को जो है रात में या अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी। और कल भी करीब ये चीज़ें रहेंगी, 30 को भी मैं कहूँगा कि कहीं कहीं पर जो है जो लाइट है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। और हाई रीचेज में बात करें तो वहाँ पर जो है 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर जो है तो बर्फबारी कहीं कहीं रहेगी। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि आज धूप भी निकली है, बढ़िया निकली है, लेकिन शाम रात आप देखेंगे जो बादल है वो आएंगे और थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी वो रहेगी। लेकिन 1 तारीख से आगे देख रहे हैं तो करीब करीब मौसम साफ हो जाएगा और उसके बाद जो आगे भी जो है 8 से 10 दिन अगर बात करें 1 तारीख से लेकर के दिसंबर की, तो तब कोई एक्टिविटी प्रदेश में नहीं दिख रही है, रेन या स्नोफॉल की एक्टिविटी वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि 1 तारीख सुबह से या 2 से जो है जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा आपको जो है, जैसे कि हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, तो यही हमारे क्षेत्र हैं जो प्लेन्स में हैं जहाँ पर कोहरा जो है वो दस्तक देता है विंटर्स में। तो उसके लिए अब क्योंकि थोड़ी बहुत मॉइस्चर अभी जो एक्टिविटी हुई है उससे कहीं ना कहीं आई है, तो जो उसके लिए है मैं कहूँगा कि 1 तारीख से आगे उस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब देखने को थोड़ी मिलेंगी प्लेन्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से।